दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी के YouTube चैनल टेक्निकल पार्टी पे। दोस्तों हमारे चैनल पे जो ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड वीडियोज है उन पे कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे, जिनमें वो बोल रहे थे कि सर जैसे अगर हमारी एज 18 से कम है, हमें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो इसका क्या प्रोसेस है वो आप बता दीजिए। तो इसी के बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो दोस्तों वीडियो आज के स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल से तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी दबाकर और पे क्लिक कर दीजिए। तो चलो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी सर्च इंजन में जब आप सर्च करोगे परिवहन, तो सबसे ऊपर रिजल्ट आ जाएगा होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करें। अब ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं। जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जो प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब ये आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी डायरेक्ट परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, उससे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। और जैसे ही आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा उसके 1 मंथ बाद आप पक्के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके प्रोसेस की ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, इसको आप देख सकते हो, परमानेंट डीएल की है, या यहाँ पे भी आप डाल दीजिएगा डीएल, तो वीडियो सबसे ऊपर आपको दिख जाएगी। तो लाइसेंस से पहले आपके पास लर्निंग लाइसेंस होना चाहिए। तो लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने के 2 तरीके हैं, या तो यहीं पे आप क्लिक कर दीजिए, या यहाँ पे भी ऑप्शन आता है एप्लीकेशन फॉर न्यू लर्निंग लाइसेंस। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे उसके बाद ये आपको प्रोसेस कंप्लीट, ये स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं, तो इनको कंप्लीट करने के लिए कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आरटीओ ऑफिस अपना सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से आरटीओ से आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो आपका एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आरटीओ यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। जो आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डाल के ऑथेंटिकेट विद सारथी पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम डालिए, यहाँ पे मिडिल नेम डालिए, यहाँ पे लास्ट नेम डालिए। अगर आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये सिर्फ, तो फर्स्ट नेम यहाँ पे डालिए, लास्ट नेम यहाँ पे डालिए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आप नाम डालिएगा अपना। उसके बाद रिलेशन सेलेक्ट कर लीजिए, फादर मदर हस्बैंड गार्जियन जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद उनका नाम यहाँ पे डाल दीजिए, फर्स्ट नेम यहाँ पे, मिडिल नेम यहाँ पे, लास्ट नेम यहाँ पे। और अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सिर्फ, तो फर्स्ट नेम यहाँ पे डालिए, लास्ट नेम यहाँ पे डालिए। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, जेंडर क्या है यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। तो हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे एज आपकी आ जाएगी। जैसे डेट ऑफ बर्थ डालोगे, जो लाइसेंस अप्लाई करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपकी एज 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए। 16, अगर आपकी एज 16 है या 17 है तो ये आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से अगर कम है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बर्थ प्लेस यहाँ पे डाल दीजिए, आपका बर्थ प्लेस कौन सा है। और उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन अपनी सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर ब्लड ग्रुप नहीं है तो इसको अननोन ही रहने दीजिए, अगर बताया तो ब्लड ग्रुप यहाँ पे अपना डाल दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिएगा अगर ईमेल आईडी है, वरना अदरवाइज इसको यूं ही छोड़ दीजिए। अब नीचे की तरफ इस पेज पे आप आइए, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे तहसील सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस अपना डाल दीजिए, जो भी आपका एड्रेस है, हाउस नंबर, डोर, फ्लैट नंबर, जो भी विलेज वगैरह जो भी है वो यहाँ पे डाल दीजिए। और उसके बाद लोकेलिटी या स्टेट वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो आप। और यहाँ पे हम अच्छे से इसको डाल लेते हैं, जीवी नगर भी कर सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग जो भी आप करना चाहते हो वो यहाँ पे कर सकते हो, जो भी एड्रेस आपको अच्छा लगे। और यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस है उसको कंप्लीट यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स आ जाती है। अगर आपका करंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सिंपली इस बॉक्स पे आप क्लिक कीजिएगा, ये भी डिटेल सेम हो जाएगी। अगर परमानेंट एड्रेस अलग है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि आप ये जो प्रेजेंट एड्रेस है कब से रह रहे हो, कौन सी ईयर और कौन से मंथ से रह रहे हो।
आप इसमें अगर डालना चाहते हो डाल सकते हो, अदरवाइज इसको यूं ही छोड़ दीजिए, कोई ये मैंडेटरी नहीं है। सिर्फ जिन पे स्टार मार्क हो रखा है ये मैंडेटरी है, स्टार जो हो रखा है, और बाकी का इसको आप यूं ही छोड़ सकते हो। अब नीचे की तरफ इस पेज पे आ जाइएगा, जो भी आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे व्हीकल दिखा देगा जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एज है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक आ रहा है, MCWOG, तो इसके अंडर आप वो व्हीकल चला सकते हो जो 50 CC या 85 CC से कम के है। तो इसमें आप मोपेड चला सकते हो, स्कूटी चला सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से चला सकते हैं। इसमें आप मोटरसाइकिल वगैरह नहीं चला सकते, सिर्फ स्कूटी या 50 CC से कम कैपेसिटी के जो भी वाहन हो उनको आप चला सकते हैं। इस पे क्लिक करके, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। और जैसे ही आपकी एज 18 से ऊपर हो जाएगी, उसके बाद जो भी व्हीकल आप ऐड कराना चाहते हो, MCWG ऐड कराना चाहते हो, LMP ऐड कराना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर रखी है, उसको आप देख सकते हो कि व्हीकल किस तरीके से ऐड करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपका पहले कभी लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल हुआ है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ तो यूं ही इसको रहने दीजिए, क्लिक मत कीजिए। अगर आपने ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग लिया तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आगे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ सकता है ड्राइविंग स्कूल का। अगर नहीं ली तो यूं ही इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहा जाता है, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को भरने का तरीका ऑलरेडी हमने बता रखा है, यहाँ पे आप डालिएगा फॉर्म 1, ये आप सिंपली डाल दीजिए, सबसे ऊपर ये वीडियो आपको दिख जाएगी किस तरीके से आप इसको भर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग इसको भर लेता हूँ, और ये इस बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। अब ओके पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद आ गया सेल्फ डिक्लेरेशन फिटनेस आर सबमिटेड, क्लोज पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ऑर्गन वाला, तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये इस तरीके से आ जाता है, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी, और यहाँ पे MCWOG के लिए अप्लाई किया है तो वो यहाँ पे दिख गया, सर्विस रिक्वेस्टेड। यहाँ पे आपका पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ब्लड ग्रुप और एप्लीकेशन नंबर क्या है, ये दिख जाएगा। एप्लीकेशन नंबर को आप कहीं पे लिख लीजिए, या फिर ये जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है इसको सेव कर सकते हो, या प्रिंट इसका निकाल सकते हो। सेव अगर आप करना चाहते हो, प्रिंट निकालना चाहते हो, प्रिंट एक्नॉलेजमेंट क्लिक करके सेव या इसका प्रिंट निकाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आपको दिख जाएगा, जो भी एड्रेस आपने डाला है, यहाँ पे RTO दिख जाएगा, कौन से RTO प्रोसीड हो रहा है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिख जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं आगे, किन किन डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो एज प्रूफ, जो प्रेजेंट एज प्रूफ है, जो भी एज प्रूफ है वो आपको अपलोड करना है। प्रेजेंट जो पेरेंट कंसेंट जो है, जो माता पिता की सहमति एप्लीकेशन अपलोड होगी उसको भरने का तरीका मैं आपको बता दूंगा आगे। प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ आपको अपलोड करना होगा, और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना होगा। अगर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ये अपलोड करने की जरूरत तो नहीं है। तो इन डॉक्यूमेंटों को अपलोड करने के लिए ना हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। नीचे की तरफ इस पेज पे आप आइएगा, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फोटो साइन अपलोड करना है, पेमेंट करनी है, उसके बाद अपॉइंटमेंट करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए प्रोसीड पे हम क्लिक कर देते हैं, अब सबमिट पे क्लिक करें, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं सब यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा एज प्रूफ अपलोड करना है, एड्रेस प्रूफ, पेरेंट कंसेंट। तो काफी लोगों का डाउट रहता है कि पेरेंट कंसेंट जो है इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से हमको ये एप्लीकेशन भरनी होगी। इस तरीके से फॉर्मेट है टू द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। तो जो भी आपका RTO है उसका नाम आ जाएगा, लोकेशन आ जाएगी। अगर आपका RTO गौतम बुद्ध नगर है तो गौतम बुद्ध नगर यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्शन फॉर इशूइंग लर्निंग लाइसेंस ऑफ माई माइनर चाइल्ड। उसके बाद यहाँ पे सर, इतना लिखने के बाद नीचे आपको किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप इसमें लिख सकते हैं, मेरे बच्चे का ये नाम है, ये एड्रेस है, इसने MCWOG लर्निंग लाइसेंस की ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, जिससे मेरे को कोई भी आपत्ति नहीं है। इसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे अगर फादर ने ये भरा है एप्लीकेशन, तो फादर के साइन हो जाएंगे यहाँ पे नीचे, और साइन के नीचे बच्चे का नाम, उसके बाद फादर या मदर नेम जो भी है वो डाल दीजिएगा।
और कंप्लीट एड्रेस डाल दीजिएगा, और मदर ने ये भरा है तो मदर के साइन हो जाएंगे, मदर का नाम हो जाएगा, बच्चे का नाम हो जाएगा और कंप्लीट एड्रेस हो जाएगा। और यहाँ पे इधर नीचे की तरफ डेट डाल दीजिएगा, डेट यहाँ पे भी डाल सकते हो या ऊपर भी राइट साइड में डाल सकते हो। उसके बाद स्कैन करके अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पे पेरेंट कंसेंट का सेलेक्ट कर लेते, पेरेंट कंसेंट फॉर का हो गया, फॉर्म हो गया। और उसके बाद यहाँ पे इशूड बाय पेरेंट्स हो गया, और इशू डेट किस डेट में इशू हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर में आप मोबाइल नंबर अपना डाल सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए आगे और अपलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो जेपीजी जेपीईजी पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए, और उसका साइज 500 KB या 500 KB से कम होना चाहिए। जैसे अपलोड पे क्लिक करोगे तीन ऑप्शन आपको दिखेंगे, व्यू, कंफर्म या क्रॉस वाला। व्यू पे क्लिक करके आप देख लीजिए आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है गलत कर दिया है। अगर सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो कंफर्म पे क्लिक करें, अगर आपसे गलत डॉक्यूमेंट हो गया है तो क्रॉस पे क्लिक करके रीअपलोड आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो। और इसी तरीके से बाकी के जो भी डॉक्यूमेंट है उनको आप अपलोड कर लीजिएगा। सभी डॉक्यूमेंटों को आप अपलोड कर दोगे यहाँ पे आ जाएगा ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली। जैसे ही यहाँ पे आ जाए ऑल डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड सक्सेसफुली तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए, अब फोटो साइन अपलोड करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। इस पे अब आप अपना फोटो सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे साइन सेलेक्ट कर लीजिए और अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक कीजिए। उसके बाद सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स पे क्लिक कीजिए, अब यहाँ पे आ जाएगा इंसर्टेड सक्सेसफुली तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब उसके बाद ये आपके सामने ओपन होके आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म निकालने के लिए, इस पे क्लिक कर दिए, 4 या 5 पेज की एप्लीकेशन फॉर्म होगी, इसको आप प्रिंट निकाल लीजिएगा। उसके बाद नीचे की तरफ इस पेज पे आओगे तो पेमेंट और अपॉइंटमेंट हमको करना है, तो पेमेंट करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे आपको पेमेंट दिख जाएगा कितना आपको पे करना है। तो अलग अलग आरटीओ में ये पेमेंट अलग अलग हो सकती है, तो हमारा जो आरटीओ उत्तम नगर इसमें 200 रुपये चार्ज जा रहा है, 200 रुपये पेमेंट है। और यहाँ पे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, SBI सेलेक्ट कर लीजिए, ये सिर्फ गेटवे ट्रीजरी है, जो भी बैंक आपका वो आगे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डालिएगा, उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये जो आई एग्री का बॉक्स है इस पे क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करें। अगर SBI की नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक की नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, SBI की डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक की डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो आगे आओ, इसमें क्रेडिट कार्ड का भी आपको दिख जाएगा। तो जैसे मैं SBI की डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद मैं कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद ये कार्ड की डिटेल्स डालने के बाद पे पे क्लिक कर देता हूँ। कार्ड से मोबाइल लिंक है उस पर एक ओटीपी चला गया, ओटीपी डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक करें, यहाँ पे दिखा देगा कंप्लीटेड सक्सेसफुली, पेमेंट हो चुका है, यहाँ पे आ रहा है 10 सेकंड आप वेट कर सकते हो, या क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा। अब इस तरीके से आ जाएगा पेमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए, यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद ही इस सर्कल पे क्लिक करके ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाले, और उसके बाद प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी, इसको आप सेव कर सकते हो या प्रिंट निकाल सकते हैं। अब अपॉइंटमेंट का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, अपॉइंटमेंट आपको किस तरीके से बुक करना है आरटीओ जाने के लिए। अपॉइंटमेंट करने के दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि एप्लीकेशन स्टेटस के थ्रू ही आप बुक कर सकते हो अपॉइंटमेंट। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे एप्लीकेशन स्टेटस पे, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालिएगा, ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करके आप अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि अपॉइंटमेंट पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद सराउट बुकिंग एलर्ट टेस्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालें। एप्लीकेशन नंबर का मैंने आपको बताया बताई दिया किस तरीके से आपको वहां से नोट डाउन करना था, तो आपकी पेमेंट रिसिप्ट है उसमें भी एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी डालिएगा, ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड टू बुक का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जो ग्रीन डेट है इन्हीं का सिर्फ आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, तो इनमें से जिस डेट का भी आपको अपॉइंटमेंट चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए। हमको 24 का चाहिए तो 24 पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये राइट साइड में टाइम स्लॉट ओपन होके आ जाता है, 10 से 12 के बीच हमको अपॉइंटमेंट बुक करना है तो यहाँ पे क्लिक करके बुक स्लॉट पे क्लिक करता हूँ। बाद जो भी मोबाइल आपने डाला था लर्निंग लाइसेंस के एप्लीकेशन में तो उस पर एक ओटीपी चला गया है, सिक्योरिटी कोड चला गया है, वो सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डालिएगा और कंफर्म टू स्लॉट बुक पे क्लिक कीजिए। उसके बाद इस तरीके से अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी, इसको आप प्रिंट निकाल लीजिएगा या सेव करना चाहते हो तो सेव आप इसको कर सकते हो।
अब मैं डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूँ कि आरटीओ ऑफिस आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, एप्लीकेशन फॉर्म और एज प्रूफ। एज प्रूफ में पैन या आधार या पासपोर्ट या स्कूल सर्टिफिकेट या स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रूफ। तो इसमें जैसे कि वोटर कार्ड वगैरह आप लेके जा सकते हैं, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट प्रूफ हो उसको आप लेके जा सकते हो। उसके बाद एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में आधार आपका चल जाएगा, पासपोर्ट चल जाएगा और एक्सेट्रा जो डॉक्यूमेंट है वो एड्रेस प्रूफ में चल जाएंगे, करंट एड्रेस प्रूफ जो है आपका। और जब आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए तो वहाँ पे भी दिख जाता है कि कौन कौन से प्रूफ एज अ करंट एड्रेस प्रूफ चल जाएंगे। पेरेंट कंसेंट, पेरेंट कंसेंट का एप्लीकेशन का मैंने आपको बता दिया, वो आपको लेके जाना है। और 4 या 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाइएगा, पेमेंट रिसिप्ट लेके जाइएगा, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट लेके जाइएगा। और जो भी एज प्रूफ एड्रेस प्रूफ आप लेके जाओगे वो आप ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी होना चाहिए, ओरिजिनल भी होनी चाहिए फोटोकॉपी भी होनी चाहिए, वहाँ पे वेरिफिकेशन होगी इनकी जो भी डॉक्यूमेंट आप लेके जाओगे वहाँ पे। ये प्रोसेस स्कूटनी बायोमेट्रिक का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सिस्टम अलॉट कर दिया जाएगा और वहाँ पे आपका ऑनलाइन एलएल टेस्ट होगा। उसमें जैसे ही पास कर लोगे आप उसको, तो उसके बाद अप्रूवल पे चली जाएगी। और अगर आप पास होते हो तो अप्रूव आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी और लर्निंग लाइसेंस जनरेट हो जाएगा। और जैसे ही लर्निंग लाइसेंस जनरेट हो जाएगा तो आप ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको 6 या 7 दिन के बाद लर्निंग लाइसेंस रीटेस्ट की पेमेंट करनी होगी। उसके प्रोसेस को ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हो। और अगर पास हो जाते हो तो उसको लर्निंग लाइसेंस को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों ये पूरा तरीका है। अगर एलएल डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप सर्च कर दीजिएगा एलएल डाउनलोड, तो वो वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगी लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की तरफ आओगे लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड का वीडियो हमने बना रखी है। अगर पेमेंट रिसिप्ट निकालना चाहते हो, एप्लीकेशन निकालना चाहते हो, एप्लीकेशन निकालने की ये वीडियो हमने बना रखी है। अगर पेमेंट रिसिप्ट आप निकालना चाहते हो, फी रिसिप्ट एल ये आप डाल दीजिएगा, तो पेमेंट रिसिप्ट की भी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो ये वीडियो को देख के आप इजीली पेमेंट रिसिप्ट निकाल सकते हो। तो जो भी आपका डाउट है यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, उससे रिलेटेड वीडियो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अगर आप डीएल रिन्यूअल रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो डीएल रिन्यूअल डाल दीजिएगा, वो वीडियो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। और अगर एलएल स्टेटस रिलेटेड देखना चाहते हो कि आपने आरटीओ में एप्लीकेशन सबमिट कर दिया उसके बाद का स्टेटस देखना चाहते हो, तो उसके रिलेटेड भी वीडियो आप यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अगर आप व्हीकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो तो व्हीकल रिलेटेड भी काफी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, इनको आप देख सकते हो। और प्लेलिस्ट में भी हमने काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में वीडियो अपलोड कर रखी है, इनको भी आप देख सकते हो। जुड़ना चाहते हो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबा के बेल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर आप अपने लाइसेंस में व्हीकल ऐड कराना चाहते हो, ऐड व्हीकल यहाँ पे डाल दीजिएगा, तो उससे रिलेटेड भी काफी वीडियो यहाँ पे आपको दिख जाएगी, इनको भी आप देख सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।